Hello everyone, this is Ashish Jain. This is another video on deduction. Now let's start with another deduction, that is section 80G. This deduction is basically pertaining to donation, which means if any assessee donate some amount to certain institution, then the assessee will get some deduction. अब वो असेसी कौन होगा? मे बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, कोई भी हो सकता है. अब देखिए, डोनेशन किसी भी तरह की हो सकती है, इन काइंड और मनी, बट इन काइंड नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर 80G. इन काइंड इन द सेंस समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ क्लॉथ्स, इन द फॉर्म ऑफ फूड आइटम्स. सो मीन्स अदर देन मनी, जो भी कुछ होगा डोनेशन में वो अलाउड, डिडक्शन में अलाउड नहीं होगा. नाउ कम टू मनी. अगर मनी होगा तो अगेन मनी इन द केस ऑफ टू कैटेगरीज, दैट इज कैश मोड और बैंक मोड. अंडर बैंक मोड इट इज फुल्ली अलाउड, जितनी भी आप डिडक्शन करोगे उतनी मिलेगी. बट इन द केस ऑफ कैश मोड, नॉट एक्सीडिंग 2000 इन वन टाइम. देखिए थोड़ा ट्रिकी है, सो इसको ध्यान से सुनिए. क्या बोला? मनी जो टर्म है, दैट मीन्स अगर कैश मोड में किसी पर्सन ने डिडक्शन सॉरी डोनेशन दी है, तो उसको जो है वन टाइम में वो 2000 से ज़्यादा डोनेट नहीं करेगा. ठीक है, अलाउड नहीं है उसको डिडक्शन. जैसे मान लीजिए उसने वन टाइम में, यानी कि ठीक है, उससे साल भर में असेसी है, ठीक है, उसने साल भर में सपोज 5 टाइम्स उसने डिडक्शन दिया है. सो सपोज फर्स्ट टाइम वन टाइम उसने 1000 दिया, सेकंड टाइम उसने 1600 दिया, सेकंड टाइम उसने 2500 दिया, थर्ड टाइम उसने 500 दिया, एंड थर्ड टाइम उसने 1700 दिया. अब ये क्वेश्चन ये जाता है कि उसको डिडक्शन किसकी मिलेगी, क्योंकि बिल डिडक्शन मिला भाई नॉट एक्सीडिंग 2000 एट वन टाइम. ठीक है, तो देखिए उसको डिडक्शन देखिए इसकी मिलेगी, इसकी मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी, इसकी भी मिलेगी एंड इसकी मिलेगी. तो इन सब का टोटल उसको डिडक्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट 2500. ऐसा नहीं है कि उसको 2500 करा तभी तो उसको बाकी भी मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है. उन्होंने बोला आप कितनी भी डिडक्शन करो, अनलिमिटेड करो, कैश में करना है तो कैश में वन टाइम आप 2000 से ज़्यादा नहीं कर सकते. बैंक मोड आप कितना भी करो, ठीक है, इट इज़ फुल्ली अलाउड. नाउ दिस डिडक्शन सेक्शन 80G कैटेगराइज इनटू 4 पार्ट, दैट इज A, B, C, D. देखिए पहले B के पार्ट पढ़ते हैं. एक B है कांग्रेस फैमिली एंड ड्रॉट रिलीफ फंड्स रिलेटेड डिजिंग डिडक्शंस है, वो इसमें आएगी. C पार्ट में क्या है? फैमिली प्लानिंग फॉर प्रोमोटिंग सॉरी फैमिली प्लानिंग प्रोमोटिंग फंड होगा, जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होगा. देन D पॉइंट में क्या है? अप्रूव्ड चैरिटेबल और एनी रीजनल ट्रस्ट दैट कम अंडर NGO. I said it must be approved. Non-approved, अगर कहीं पर भी किसी टेम्पल या फिर किसी रीजनल ट्रस्ट पर करोगे तो उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी. इट मस्ट बी अप्रूव्ड. नाउ कम टू ए पॉइंट. वैसे देखिए आई ऑलरेडी सेंट टू द लिस्ट एंड नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ डिडक्शन अंडर 80G, लाइक वट कम्स अंडर 80G. सो बट मेरे से फोकस हो इस पर, दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, विच मीन्स देखिए जो अभी गंगा रिलीफ फंड चला था उसको साफ सफाई के लिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिडक्शन मिलेगा वो किसको मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ टू रेजिडेंट ओनर, और किसी को नहीं मिलेगी. वैसे के ऊपर हमने क्या पढ़ा कि डिडक्शन किसको अलाउड है? टू एनी असेसी रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टू क्लीन ग्रीन क्लीन गंगा फंड. इट इज ओनली परमिसेबल टू गेट डिडक्शन ओनली टू रेजिडेंट डोनर. ठीक है, बाकी जितने भी डिडक्शन अलाउड है अंडर कैटेगरी ए वो किसी को भी अलाउड है, दैट मीन्स रेजिडेंट को भी और नॉन रेजिडेंट. ठीक है, अब क्वेश्चन ये रिजल्ट है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर 80G. अगेन दिस इज अ वेरी ट्रिकी पॉइंट, सो जस्ट मेक अ कंफर्टेबल. सो टू अब तो ध्यान से सुनिए, है क्या? एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डिडक्शंस, ए बी सी डी. इसको कैटेगराइज कर दिया. I have taken these hypothetical example that SSC had made certain deductions in A 80,000, in B 30,000, in C 70,000 and in D 50,000.
Now, first of all, we need to come from actual deduction or from actual payment to this point, that is eligible amount. Okay, so for this A, 100% eligible. For B, again 100% eligible. For C and D, there is some restriction, that is maximum 10% of gross adjusted total income. I will talk about this later on in few minutes. Okay, पहले को इसको कंसेप्ट अच्छे समझ लेते हैं. क्या बोला मैंने, इसको देखिए कैलकुलेट करने का तरीका क्या है. वट एवर अमाउंट इज गिवन टू यू इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट द एसएससी हैज मेड सम डिडक्शन इन दिस कैटेगरी ए बी सी डी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कम फ्रॉम एक्चुअल पेमेंट टू एलिजिबल. कितना कितना उसको एलिजिबल है, यहाँ पर कितना एलिजिबल है 100%, यहाँ पर 100%, यहाँ पर कितना एलिजिबल है, ओनली मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम. अब आपको क्या करना है, फ्रॉम एलिजिबल टू रेट एप्लीकेबल कितना आना है उस पर आना है. इसमें देखिए कितना एप्लीकेबल रेट एप्लीकेबल है, 100% ऑफ दिस अमाउंट, इसमें 50% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है. एंड यहाँ पर जो भी बॉन्ड आएगा 100%, एंड यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा उसका 50%. सम ऑफ ऑल दिस विल बी कम टू टोटल ऑफ 80G बन जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. देखिए जी ए टी ई आई होता क्या है, पहले तो आप ध्यान से ये समझिए, दैट इज ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम. वैसे देखो ये आपको बहुत अच्छे से आता है. क्या सपोज जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम को अगर आप टू पार्ट में डिवाइड करते हो, किस किस में, स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम. नाउ आई थिंक यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस. आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे समझाया है कि हाउ टू सेग्रीगेट दिस टोटल इनकम इनटू स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है. तो कुछ नहीं करना, टोटल टैक्सेबल इनकम में से आपको जितनी भी स्पेशल इनकम है उसको आप साइड कर दो, रेस्ट ऑफ इनकम जो बचती है नॉर्मल इनकम, इसी को बोलते हैं हम ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम. सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नहीं बोलते. इसमें से क्या करना है, आपको जो आपकी नॉर्मल इनकम बची इसमें से आपको डिडक्शन लेस करनी है फ्रॉम 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G. आई रिपीट, फ्रॉम नॉर्मल इनकम यू नीड टू डिडक्ट ऑल दी डिडक्शंस फ्रॉम 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G. नाउ यू विल गेट ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम. ओके, सो अंडर द कैटेगरी ऑफ सी एंड डी देर इज अ लिमिट फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम. एंड हाउ विल यू गेट दिस ग्रोस टोटल इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेग्रीगेट द टोटल टैक्सेबल इनटू टू पार्ट, स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम. नाउ फ्रॉम नॉर्मल इनकम यू नीड टू लेस ऑल द डिडक्शंस फ्रॉम 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G. ओके, नाउ यू विल गेट दिस अमाउंट दैट इज ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है. अब देखिए क्या करना है आपको, मान लीजिए अगर आपने आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है, जो सही सपोज आई है 2 लाख, कितना है 2 लाख, सॉरी इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं, 20 लाख कर देते हैं इसको, ठीक है 20 लाख आया. तो इसका देखिए 10% लेंगे विच कम्स टू अमाउंट ऑफ 2 लाख, ठीक है. तो अब आप देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट क्या है, देखिए 2 लाख आया तो 2 लाख यहाँ पर टोटल कितना है इन दोनों का, 1,50,000. तो यहाँ पे कितना लगे, 70,000. यहाँ पे कितना लगे, 50,000. सो इसमें आपको कितना मिलेगा, 70,000, इसमें कितना मिलेगा आपको, 25,000, ठीक है. तो देखिए कितनी कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको, 80,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 15,000, 70,000 एंड देन 25,000. तो सम ऑफ दिस भी 40,000, दैट इज 1,90,000. दिस विल बी टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. ओके, बस आपको याद रखना है फॉर दिस सी एंड डी पॉइंट देर इज अ रेस्ट्रिक्शन, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम. ओके, चलिए इसी का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं.
सपोज द अमाउंट ऑफ ग्रोस एडजस्टेड टोटल अमाउंट इज सपोज 10 लाख. नाउ वी नीड टू टेक 10% ऑफ दिस अमाउंट विच कम्स अमाउंट रुपीज 1 लाख. नाउ क्वेश्चन इज द सम ऑफ दिस दैट इज 1,20,000. सो पहले अमाउंट किस में लोगे? सीधी सी बात है, अगर आपको मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट क्लेम करना है तो किस में लोगे? तो 100% आपको यहाँ मिल रहा है तो मैक्सिमम डिडक्शन हमें लोगे तो क्या लिखोगे? 70,000 हमें लिखोगे एंड 30,000 आप यहाँ लिखोगे. ठीक है, तो देखिए डिडक्शन कितने मिलेंगे यहाँ पर? 80,000, 15,000, 70,000 एंड देन 15,000 विच कम्स अमाउंट रुपीज 1,80,000. ओके, सो दिस इज द वे टू ट्रीट डिडक्शन अंडर सेक्शन 18G. आई रिपीट, दिस डिडक्शन इज पर्टेनिंग टू डोनेशन टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस. ओके, सो यू जस्ट नीड टू लर्न ऑल द लिस्ट. आपको देखिए एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, आपको लिस्ट आराम से याद हो जाएगी. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 80 सेक्शन 80GG. दिस इज 80GG. नाउ दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ रेंट फॉर रेजिडेंट. अब आपको देखिए इस रेंट नेम से आपको कुछ सजेस्ट होगा, दैट इज सैलरी में हमने पढ़ा था HRM. ठीक है, आपको वहाँ पर अच्छे से आता है कि हमने पढ़ा था HRM में डिडक्शन कैसे मिलती है. HRM किसको मिलता है? वैन देर इज अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दैट मीन्स अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है देन द SSC विल बी अलाउड टू गेट सर्टेन एग्जम्पशन अंडर द लिमिट्स. ठीक है, तो फिर सर दैट मीन्स यू वॉन्ट टू से दैट द SSC विल गेट एडिशनल डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन? नो, ऐसा नहीं काम होना. यहाँ पॉइंट पढ़िए, देखिए सेकेंड पॉइंट लिखा है SSC नॉट रिसीविंग HRA. ये कंडीशन है 80GG की, याद कब आएगी? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को HRA नहीं दे रहा, रेंट पे रह रहा है लेकिन इसको HRA नहीं मिल रहा, किसको मिल रहा है? टू एनी इंडिविजुअल. इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, हो सकता है वो भी रेंट पे रह रहा हूँ, तो उसको भी वो डिडक्शन मिल जाएगी. ठीक है, कंडीशन क्या है और क्या है? SSC डजेंट हैव रेजिडेंशियल हाउस इन दैट पर्टिकुलर सिटी इन विच ही इज स्टेइंग और लिविंग. किसके नाम में होना चाहिए? खुद के नाम पर होना चाहिए, स्पाउस के नाम पर होना चाहिए, या फिर किसी भी फैमिली मेंबर ऑफ HUF, उसके नाम पे वो घर नहीं होना चाहिए. कैसे क्लेम करेगा? उसको क्लेम करने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसका फॉर्म का नाम है 80BA. दैट मीन्स ही विल गेट दिस फॉर्म फ्रॉम हिज फ्रॉम लैंडलॉर्ड दैट ही हैज पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट इन दैट पर्टिकुलर ईयर और फॉर पर्टिकुलर मंथ एंड ही नीड टू गेट साइन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड अंडर रेवेन्यू स्टैम्प. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन. कितना कितना? 5,000 पर मंथ, रेंट पेड लेस 10% ऑफ ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम. अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम, एंड देन 25% ऑफ ग्रोस एडजस्टेड टोटल इनकम. नाउ विच एवर रिलीज विल बी अलाउड फॉर द डिडक्शन. ओके, सो दिस इज द सेक्शन 80GG विच इज रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ रेंट फॉर रेजिडेंट. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेक्शन 80JJA. सेक्शन 80JJA, बहुत ध्यान समझना क्या है ये. दिस सेक्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. देखिए क्या बोला उसने, दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विल गेट 90% 90% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज कॉस्ट. क्या मतलब हुआ उसका? सपोज देर इज अ फैक्ट्री और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सपोज ही एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर ईयर इन अ प्रीवियस ईयर दैट इज 10 एम्प्लॉयज एंड दे आर पेइंग रुपीज 10,000 टू ईच एम्प्लॉयज. सो हाउ मच दे विल कॉस्ट? दैट इज रुपीज 1 लाख. दैट मीन्स दैट फैक्ट्री और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विल गेट 90% डिडक्शन ऑफ दिस अमाउंट. सर आप क्या कहना चाह रहे हो? दैट
You said this factory, that means they are involved in business, yes. And this is the cost for the factory premises, yes. So वहाँ तो वो P&L में उसको डेबिट कर लेंगे इसको, क्योंकि वो सैलरी या वेजेस पे कर रहे हैं, यस. सो दैट मीन्स दे आर गेटिंग सम एडिशनल बेनिफिट हेयर, यस. देखो यहाँ पर क्या पॉइंट हो रहा है, गवर्नमेंट को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है. यहाँ पर गवर्नमेंट एडिशनल बेनिफिट दे रही है, ठीक है. अच्छा कैसे डिडक्शन मिलेगी, यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको फर्स्ट ईयर मिलेगी 30,000, सेकेंड ईयर भी मिलेगी आपको 30,000, एंड थर्ड ईयर भी आपको 30,000 मिलेगी. 30,000 फर्स्ट ईयर कहाँ से काउंट होंगे, जिस साल उस असेसी ने नए एम्प्लॉयज ऐड किए, ठीक है, उस साल से वो काउंट करेगा. सर आपने बोला था 90%, हाँ तो 30% ईच ईयर होगा ना. देखिए क्या लिखा है, इक्वली फॉर 30 ईयर्स, 30 30 30 हो गए 90% टोटल, ठीक है. अच्छा अब ये क्वेश्चन रेज होता है दैट हु आर दी असेसी हियर, किसको रिडक्शन मिलेगी. अलाउ टू एनी असेसी हुज टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़, 1 करोड़ और 50 लाख, विच आर रिक्वायर्ड फॉर टैक्स ऑडिट, यानी जिनको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनका टोटल टर्नओवर इतना एक्सीड होता है, सिर्फ उन्हीं को रिडक्शन होना होगा, बाकी और किसी को नहीं है, ठीक है. अच्छा अब बात करते हैं क्या लिखा है अपन, 90% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज कॉस्ट. कॉस्ट क्या होगी, जो मैंने आपको बोल रहा हूँ वही सैलरी, ठीक है. सैलरी पेड टू न्यू रेगुलर एम्प्लॉय. अब यहाँ पर न्यू न्यू का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए फॉर इन द प्रीवियस ईयर उस फैक्ट्री में 1920 में, सपोज इन द ऑन 1 अप्रैल 2019 में कितने एम्प्लॉयज थे, सपोज 100, ठीक है. एंड देन इन दी एट द एंड 2020 कितने एम्प्लॉयज रह गए, कितने एम्प्लॉयज थे, सपोज मान लीजिए, या मान लीजिए सपोज ऑन 31 जुलाई 2019 उन्होंने सर्टेन कुछ एम्प्लॉयज ने एडिशन लिया, कितने एम्प्लॉय को दिया 70 को, ठीक है. बट इन बिटवीन उन्होंने क्या करा कि 10 एम्प्लॉयज को उन्होंने निकाल दिया, तो क्लोजिंग में कितना बचा 160. तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम जो है न्यू रेगुलर एम्प्लॉयज का फॉर्मूला क्या होगा आपका, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. यहाँ पर न्यू का मतलब क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. हम ये देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कितने नए एडिशनल आपने न्यू एम्प्लॉयज रखे, यहाँ देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का डिफरेंस, ठीक है. यहाँ पर न्यू का मतलब ये है ना. कम टू द रेगुलर अपॉइंट, इसका भी देखिए रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब क्या है. पहले देखिए, देखिए रेगुलर रेगुलर एम्प्लॉय कब माना जाता है, जब किसी भी पर्सन या एम्प्लॉयर जो है उसके एम्प्लॉय में PF कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तभी इसको रेगुलर एम्प्लॉय माना जाता है, ठीक है ना. तो ही मस्ट कंट्रीब्यूट टू RPF, दैट इज रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड. अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सैलरी कितनी होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 25,000, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए. सैलरी कितनी होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 25,000. नाउ एम्प्लॉयज मस्ट नॉट इंक्लूड डिसेबल पर्सन. सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, मतलब गवर्नमेंट कहने के अगेंस्ट है, नहीं दे आर एक्चुअली नॉट अगेंस्ट देम. देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, पहले हमने बात करी कि रेगुलर ब्रेक होना कोई होना चाहिए, दैट द एम्प्लॉय मस्ट कंट्रीब्यूट टू RPF. तो डिसेबल को उसमें डिसेबल को भी रखना पड़ेगा. देखिए होता क्या है, एज पर द फैक्ट्री एक्ट और एम्प्लॉयमेंट एक्ट, एम्प्लॉयज एक्ट और कैन से फैक्ट्री एक्ट, एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है देयर इज अ सर्टेन रिजर्वेशन फॉर द डिसेबल पर्सन, सपोज 3%, एंड दे हैव क्लियरली मेंशन इन दिस एक्ट दैट द एम्प्लॉयर विल नॉट कंट्रीब्यूट प्रोविडेंट फंड टू द सैलरी. तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. अच्छा तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जी हाँ. तो यहाँ पर जो है अगर उनको करेगी तो उनको डबल बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है कि नॉट डिसेबल पर्सन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ये पॉइंट था. अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, दैट इज मस्ट एम्प्लॉयड फॉर 240 और 150 डेज, मिनिमम टू मिनिमम इतने डेज एम्प्लॉयड होने चाहिए,
देखिए ये डिफरेंस क्यों है, मतलब 240 या 40 क्या है? देखिए 240 किसके लिए है, दैट इज वो बिजनेसमैन जो कि इन्वॉल्व है किस में, अपैरल में, फुटवेयर में, या फिर लेदर प्रोडक्शन में, जिनका बिजनेस इन्वॉल्व है उनके लिए कितना है 240, बाकी सबके लिए कितना है 150 डेज है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि ये एटलीस्ट इतने होने चाहिए, क्योंकि क्या था कि अगर एट दी कंपनी के अगर से सपोज दिस इज अ प्रीवियस ईयर, सर कंपनी क्या करती है लास्ट 2 मंथ्स में ही जो है वो हायर करना शुरू करती है, तो इससे और फिर बाद में उनको निकाल देती है, तो फिर ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो कंपनी क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रही है कि एटलीस्ट 240 डेज या फिर 150 डेज कंप्लीट होनी चाहिए फॉर दी रेगुलर एम्प्लॉयज। ओके, सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी सेक्शन 18JJA, सॉरी ये JJAA है, ठीक है, फॉर दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रेस्ट वी विल डू लेटर ऑन। थैंक यू।